विकासखंड नूरपुर में पंचायत चुनाव के लिए सभी 125 पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। पंचायतों के लिए 3 चरणों में 17, 19 व 21 जनवरी को चुनाव होंगे। इन पोलिंग पार्टियों में कुल 500 पीठासीन व मतदान अधिकारी चुनावी ड्यूटी के लिए नियुक्त किए गए हैं। विकासखंड नूरपुर में पंचायत चुनावों के लिए 125 पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने जानकारी दी कि पंचायतों के लिए 3 चरणों में 17, 19 और 21 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए शुक्रवार को नूरपुर विकासखंड के अंतर्गत सभी 51 पंचायतों के लिए तैनात 125 पोलिंग पार्टियों को पुलिस सुरक्षा के बीच परिवहन निगम की विशेष बसों में मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी पोलिंग पार्टियां शुक्रवार शाम तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुँच जाएंगी। सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इन पोलिंग पार्टियों में कुल 500 पीठासीन व मतदान अधिकारी चुनावी ड्यूटी के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हर टीम के साथ 2-2 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुगम, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। एसडीएम ने कहा कि साधारण संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के हिसाब से जवानों की तैनाती की गई है। वहीं उन्होंने सभी मतदाताओं से अपना मत अवश्य डालने की अपील की है। इलेक्शन है, इसकी जो हमने समझ कर कंप्लीट कर ली है और आज हम प्रथम चरण के जो पंचायतें हैं उनके लिए जो है पोलिंग पार्टीज को जो हमने आज रवाना कर दिया है। लगभग 125 पोलिंग बूथ्स पे जो है 17th को हमारा फर्स्ट इलेक्शन होगा, जिसमें हमने जो है तमाम तैयारियों के साथ, तमाम मटेरियल के साथ, रिकॉर्ड के साथ और पुलिस कस्टडी में हमने बसेस में, HRTC की सरकारी बसेस में पार्टियों को रवाना कर दिया है, फुली ट्रेन करके भेजे हैं और सिचुएशन के हिसाब से जहां सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव और क्रिटिकल थे उसमें एडिशनल फोर्स का इंतजाम भी अभी हमने करके रखा हुआ है। और सभी जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं, मैं उन्हें ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि हमारा इलेक्शन जो है सक्सेसफुली संपन्न हो। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।